न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सक्षम संपन्न कराने के लिए कानपुर देहात में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों के आगमन के दौरान पुलिस विभाग के चुनाव नोडल अधिकारी घनश्याम चौरसिया, अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात व पुलिस उपाधीक्षक शिव ठाकुर द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। थराली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां थराली पुलिस ने थानाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल तिराहे से चेकिंग के दौरान दो युवकों से 1.5 किलो चरस बरामद किए। गिरफ्तार दोनों युवक देवाल विकासखंड के हेमनी घेस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 2,25,000 आंकी गई है और थाना थराली पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं गिरफ्तार दोनों युवकों द्वारा चरस की इस बड़ी खेप को कहाँ से लाया गया और कहाँ ले जाया जा रहा था, इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। देखिए, आज दिनांक 8/1/22 को हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा देवाल तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, जहां पर दो व्यक्तियों को उनके द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस काम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 की राशि प्रदान की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास जहां कोरोना की चपेट में कई नौनिहाल समेत अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो वहीं नैनीताल के SSP पंकज भट्ट भी कोरोना की चपेट में आ गए। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल भट्ट ने अपने को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने मंगलौर में कुछ लोगों से बात की, जिन्होंने बताया कि मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन 5 साल मंगलौर में नहीं रहे, 3 साल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन राजस्थान में रहे, बाकी विधायक जी का समय दिल्ली में गुजरा, इसलिए इस बार मंगलौर से हाजी सरवत करीम अंसारी ही विधायक होंगे, जो हर समय जनता के बीच रहते हैं। जब लोगों से विकास के बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर से कहना है कि विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर का कोई विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ राजस्थान का विकास किया। लोगों से बातचीत दिखा देना। मोहम्मद अजीम, ब्यूरो चीफ। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में और 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रचार 15 तारीख तक, रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। हम अभी मंगलौर विधानसभा में आए हुए हैं। मंगलौर विधानसभा फिलहाल यहां से काजी निजामुद्दीन, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो फिलहाल वो विधायक हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से इस चुनाव को लेकर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम अंसारी, पूर्व सभासद नगरपालिका। इकराम जी, क्या 2022 चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? 2022 का चुनाव जो है उसका आगाज हो चुका। माननीय सरवत करीम अंसारी के सिपाही हैं हम, उसी तरह से सिपाही की तरह से ड्यूटी। 2017 में काजी निजामुद्दीन यहाँ से विधायक बने, उन्होंने कितने विकास कार्य कराए, क्या आप संतुष्ट हैं उनसे? भाई, विकास की जहाँ तक बात है, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आगे विकास किया उन्होंने, आज तक कोई इन 5 साल में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी कस्बे में। मैं कस्बे का रहने वाला, कस्बे की बात करता हूँ, हमारे कस्बे में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी कि ये दिखाया जाए कि माननीय विधायक जी ने बनवाई, अभी तक कोई चीज नहीं है। तो हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, क्या नाम है आपका? मसरूर अख्तर। मसरूर अख्तर जी, क्या कहेंगे, क्या विधायक जो यहाँ से अभी कांग्रेस के विधायक हैं, क्या इन्होंने विकास कार्य कराया नहीं कराया? देखो जी, मंगलौर का तो कोई विकास नहीं हुआ, जहाँ तक मैंने सुना है शायद उन्होंने 3 साल राजस्थान का विकास किया है। 3 साल राजस्थान का विकास किया? 3 साल राजस्थान ही रहे हैं और बचे कुछ दिन जो हैं वो दिल्ली रहे हैं, तो शायद वहाँ विकास किया होगा, यहाँ तो कोई विकास दिखाई नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मुमताज अहमद। मुमताज जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन जो है 5 साल यहाँ नहीं रहे, 3 साल राजस्थान में रहे, बाकी दिल्ली में रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी बात सही है, काम करने के लिए तो वे अगर घर में भी हैं तो उनके लोगों ने यही बताया कि वो राजस्थान हैं। अगर इत्तफाक से वो यहाँ मंगलौर में है भी तो उन्हें राजस्थान बताया गया, काम से बचने के लिए गोलियां देते हैं।
गोलियां देने का काम करते हैं, इसके अलावा उन पर कोई विकास का मुद्दा नहीं है। कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा मैं, मतलब इससे क्या हो रहा है? तो इस बार की मंगलौर से किसको विधायक बना रहे हैं? इंशाल्लाह हाजी सरवत करीम अंसारी भारी मतों से जीतेंगे और यही पूरी विधानसभा की तमन्ना भी है। कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मुजाहिद कमाल। मुजाहिद जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन जो है यहाँ से विधायक जो हैं वो 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं रहे। जी वो बीच में रहते ही नहीं है, वो घर में रहते हुए भी बता देते हैं कि बाहर गए हुए हैं, कभी राजस्थान कभी दिल्ली, उनके 4.5 साल ही थी उसमें कुछ। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ कुछ लोग जिनका साफ तौर से कहना है कि काजी निजामुद्दीन जो है वो 5 साल तक लोगों के बीच नहीं रहे। पहले उनको राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया, 3 साल वो वहाँ रहे, उसके बाद दिल्ली में रहे। इस तरीके से देखना होगा कि जो लोगों के बीच में नहीं रहे उन्हें जनता कैसे चुनती है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। यूं तो पिंडर घाटी के मींग गांव में महादेव और पांडव की पूजा अर्चना और भव्य मेले और यात्राओं के आयोजन होते रहते हैं, परंतु इस बार करीबन 85 सालों बाद गांव में नवदुर्गा नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से लोग नवरात्र में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार उत्तराखंड की आराध्य देवी माँ राजा राजेश्वरी नंदा देवी अपने मायका सिद्धपीठ कुरुड़ धाम के लिए इस मींग गांव से होकर यात्रा कर रही हैं, तो यह अवसर और भी धार्मिक, मार्मिक और भावपूर्ण बन गया है। हो रहे हैं ये हमारे से जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने बताया कि बोल करके 80-90 साल हो चुके हैं और उसके बाद आज जो है हमारे पूरे गांव के लोगों की एक दिल में एक भावना आएगी बोल करके नवरात्र, मतलब नवरात्र के लिए जो है कि यहाँ पे नवरात्र का आयोजन करने के लिए, तो सारे गांव वालों ने आज जो है कि मतलब जब ये नवरात्र का वो किया तो आज सारे क्षेत्र में मतलब हमारे जो मतलब रिश्तेदार हैं मींग विनायक बनोली और रिश्तेदार हैं जो महिलाएँ हैं ध्याणे हमारी हैं सब यहाँ पहुँचे हैं, दूर दराज से लोग आए हैं। आज हमारे ग्राम मींग में 90 साल के बाद माँ भगवती की नवरात्रा हो रही है, जिसमें सारे गांव का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग, ध्याणियों का सहयोग, इष्ट मित्रों का सहयोग, सबका हमको इस सहयोग प्राप्त हुआ। और आज सौभाग्य की बात है कि माँ नंदा देवी की डोली यात्रा आज हमारे मींग में पहुंची है। वही धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी थमा नहीं था कि कल बरेली में हुई मुस्लिम धर्म संसद ने एक बार फिर धर्म संसद को तूल दे दिया है। इस बार मौलाना तौरीक रजा के लिए दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद अब हरिद्वार में संतों ने तौरीक रजा को आड़े हाथों लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोग जब मौका मिलेंगे तब कर लेंगे, मुझे पता है। जिस दिन हमने इस्लामिक जिहाद के ऊपर बोलना आरंभ किया, जिस दिन हमने अपने लोगों को जागृत करना आरंभ किया, उस दिन हमने समझ लिया था कि गले जब हमारे गलों में फूलों के हार पड़ रहे थे तो हमें पता है इस पे गंडासा भी चलेगा, हमें पता है हमें गोली भी मिलेगी। किसका इतिहास नहीं है? स्वामी श्रद्धानंद का इतिहास आपके सामने। देखो, एक तो मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, धार्यत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है, और वह है केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम एक राजनीतिक आंदोलन है, इस्लाम एक राजनीतिक आंदोलन है। तो वो तौकीर रजा भी जो एक आतंकवादी है उसके ऊपर 20 से ऊपर 153A और आतंक फैलाने के तरह तरह के 295, 294, 505 के संगीन मुकदमे उसके ऊपर। चुनावों को लेकर हर पार्टी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है, हर कोई अपनी पकड़ जनता के बीच बनाने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद भी पीछे नहीं है, जिनसे हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने खास बातचीत की, इसको सुनिए। गुल बच चुका है, सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक चुनाव प्रचार पे रोक लगाई है। कलियर से 2 बार के विधायक फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनकी चुनाव की तैयारी है। विधायक जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, 2 बार से आप कलियर के विधायक हैं, किस तरह की अब तीसरी बार तैयारी है, क्या हैट्रिक लगाएंगे? देखो, हैट्रिक तो इंशाल्लाह जरूर लगेगी, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में काम किया,
और जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई, बहुत बड़े बड़े वादे किए कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम बड़े बड़े क्षेत्र में विकास करेंगे। कोई विकास नाम की बड़ी बड़ी कोई चीज़ नहीं की। महंगाई कम करेंगे, आपके सामने आज डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज़ की कितनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है। रोज़गार देंगे, आज हमारे युवा पढ़ लिख कर डिग्री लिए सड़कों फिर रहे हैं, कहीं रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बहुत बड़ा वादा क्या था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 शुरू हो गया, जो आय किसानों की पहले थी वो भी आधी हो चुकी है, क्योंकि गन्ने का या किसी फसलों का रेट नहीं बढ़ाया। डीजल का रेट, यूरिया खाद, जो भी कृषि यंत्र, सबके आसमान डबल हो, सबके रेट डबल हो चुके हैं। इसलिए हर जगह बीजेपी फेल, इसलिए जनता ने मन बना चुका है। और तो और, हमारा जो भाईचारा था वो भाईचारा ख़त्म करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आज हर वर्ग परेशान है, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, ऊँचा हो, कोई भी हो, हर वर्ग आज बीजेपी से परेशान है। इसलिए जनता ने मन बना चुका है कि आने वाला 2022 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर वर्ग आज बीजेपी से परेशान है, इसलिए जनता ने मन बना चुका है कि आने वाला 2022 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में लेकर उतर रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी? नहीं, नंबर एक बेरोजगारी और महंगाई और बहुत से मुद्दे हैं। क्राइम आज जगह जगह पुलिस लुटाई कर रही है, कहीं मास्क के नाम पर, कहीं कागज़ों के नाम पर, कहीं हमारे जो छोटे छोटे काम ट्रैक्टर ट्राली लोग मजदूर काम करते हैं, आज उन्हें जगह जगह रोक कर उनके बड़े बड़े जुर्माने कर जाते हैं। आज एक तरफ तो बेरोजगारी है और दूसरी तरफ पुलिस ने, प्रशासन ने, हर कर्मचारी ने जनता को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए जनता बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, भाजपा से के बहुत खिलाफ है, इसलिए आने वाला चुनाव कांग्रेस का होगा। 2012 में आपने दो बार के विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद को, जो बसपा से थे प्रत्याशी, उनको हराया। 2017 में बीजेपी को हराया। इस बार किससे मुकाबला मान रहे हैं? इंशाल्लाह इस बार किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि जब एक पिछली बार मोदी की भयंकर लहर चल रही थी, उस बार भी मुझे मेरी विधानसभा की जनता ने, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने, कोई मेरे बूथ, मेरी विधानसभा में जितने बूथ पड़ते, कोई बूथ ऐसा नहीं था जिस वर्ग से मुझे वोट ना मिला है, क्योंकि मैंने जात बिरादरी से ऊपर उठकर पूरे चवाली के चवाली गांव में काम किया। इसलिए इस बार तो कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि हमने क्षेत्र में काम किया, अपनी जनता के बीच में रहे, तो इसलिए इस बार कोई मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से हमारी जीत होगी। आखिरी सवाल, यदि 2022 में जनता कांग्रेस पे विश्वास जताती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, ये तो सबको जानते हैं कि यहाँ पे मानो जो सबसे मजबूत है हरीश रावत जी, हरीश रावत जी के अलावा यहाँ पर कोई कांग्रेस में इतना बड़ा लीडर नहीं है। कांग्रेस, मुझे उम्मीद है कि हमारा हाईकमान माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा और वहीं यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कलियर से विधायक हाजी मोहम्मद फुरकान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2012 और 2017 में जिस तरह जनता ने मुझे प्यार दिया, 2022 में भी इसी तरह जनता प्यार देने जा रही है और हैट्रिक लगाने के लिए वो तैयार है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। ललितपुर की तहसील मेहरौनी कस्बे में लूटपाट की एक ऐसी वारदात हुई जिसको सुनकर लोग सन्न रह गए। रामलीला मैदान के पास रहने वाली इंदिरा जैन अपने घर में बेहोश अवस्था में मिली। वृद्ध महिला को जब होश आया तो उसने फोन कर सारी सूचना अपनी बेटी को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर की। महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन्स क्षेत्र के कीट सप्लाई शिव बिहार के पास देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि देर रात समीर अपने किसी रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, समीर साले विशाल के मुताबिक पिछले कई सालों से समीर की कोई दो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगाकर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से रेकी कर रहे थे, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई गौर नहीं किया और देर रात समीर की हत्या हो गई। बहरहाल, सूचना मिलते ही सीओ सिटी अनुज चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। वहीं भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे।
ये मर्डर मुझे शाम को जानकारी हुई, किटकिलाई रोड पे शिव बिहार जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, उसमें ये बोध श्याम जी रहते थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, हमारे सपोर्टर हैं। तो इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे दामाद को गोली मार दी। अब बात को पता चला, हम पहुँचे, हमने कहाँ हैं तो रास्ते पे घटना स्थल पे जा रहे थे, पता लगा हॉस्पिटल आ गए तो जिला अस्पताल आया, तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था। मेरठ रेफ़र किया, ये मुरादाबाद हॉस्पिटल ले गए, पता लगा, फ़ोन पर बात हुई, डेथ हो गई। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद जिलाधिकारी पुलकित खरे ने पत्रकारों के साथ प्रेसवार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को पीलीभीत में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के साथ मीटिंग कर ली गई है और सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके साथ ही बताया कि चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना गया है और उन्हें 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में 1632 बूथ बनाए गए हैं, जिले को 13 जोन व 100 सेक्टरों में बांटा गया है। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में और जनपद में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जनपद पीलीभीत की चारों विधानसभाओं के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा और पूरे प्रदेश की तरह 10 मार्च को मतगणना होगी। इसको लेके सभी अधिकारियों के साथ आज सभी मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारी, विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक बृहद बैठक करी गई। आदर्श आचार संहिता के जो भी आवश्यक पहलू हैं और उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है। ललितपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर मासूम सहित एक जानवर की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। हादसे के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा है। थाना बार के धनगौल गांव की ये पूरी घटना है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा अब मुख्य बाजारों और आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पावर चौकी प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे द्वारा मुख्य बाजारों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम द्वारा मुख्य बाजार में लगे फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कानपुर देहात को अपराध मुक्त बनाने के इरादे से पुलिस अधीक्षक की कुर्सी संभालने वाले आईपीएस अधिकारी स्वप्निल ममगाई अपने इरादों पर कामयाब होते दिख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ज्वाइनिंग के समय ही जनपद को एक संदेश दिया था कि वे जनपद को अपराध मुक्त करने की ओर तेजी से काम करेंगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि जिसका असर अब दिखने लगा है। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई की सख्ती के चलते अब कानपुर देहात जनपद की पुलिस भी हरकत में आ गई है। इसी के चलते कानपुर देहात की भोगनीपुर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अभियुक्त जो कि कई सालों से हत्या, लूट और पशु क्रूरता अधिनियम कई धाराओं का आरोपी था और वो फरार चल रहा था, यही नहीं 25,000 का इनामिया भी था, आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस को इसकी बड़ी सफलता पर पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। देखिए, जैसा कि हमने बताया था अपने ज्वाइनिंग के समय कि हमारी प्राथमिकता है, शासन की प्राथमिकता है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। उसी क्रम में हमने आज बहुत हमारी टीम ने, जिसमें सीओ भोगनीपुर, इंस्पेक्टर भोगनीपुर और एसओजी प्रभारी व अन्य लोग सम्मिलित हैं, इनके द्वारा एक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की गई है। 25,000 रुपये का इनामिया है नौशाद, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी जा चुका है प्रेस नोट के माध्यम से, और 2016 से लेकर अब तक के कहीं ना कहीं अपराध करता रहा है, हर तरीके के संगीन जुर्म, जिसमें हत्या, गौकशी, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट आदि इसके द्वारा किए गए हैं। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के स्तर से इस पर 25,000 रुपये का ऑलरेडी इनाम घोषित है और इसके सघन तलाश की जा रही थी हमारी टीमों द्वारा, जिसमें संयुक्त रूप से
थाने की टीम एवं एसओजी टीम लगी हुई थी और उसी क्रम में आज ये पकड़ा गया है। और अगर आवश्यकता पड़ती और एक दो दिन और नहीं पकड़ा जाता तो इसका हम लोग आगे इनाम बढ़ाने के लिए संस्तुति भी करने वाले थे। बट बेशक ये बहुत अच्छा वर्कआउट है और ये पहला, मुझे खुशी है कि ये प्रथम वर्कआउट है, एक अच्छा वर्कआउट है और शासन की जो प्राथमिकता है उसके क्रम में ये कार्रवाई हुई है, जिसके लिए हमने अपनी टीम को सम्मानित भी किया है 11,000 रुपये नकद पुरस्कार। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन सार्वजनिक जगहों पर लगे राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाने में जुटा है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन जिले में जगह जगह लगे राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने की कवायद में जुट गया है। साथ ही प्रशासन गाड़ियों में लगे राजनीतिक पोस्टर भी हटा रहा है। इस दौरान प्रशासनिक अफसरों ने चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के पूर्ण अनुपालन का दावा किया है। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ये पूरे ज़िले में जो भी राजनीतिक पार्टियां अपने पोस्टर, बैनर सरकारी संपत्तियों पे, चाहे वो खंबा हो, स्कूल हो या कोई भी सरकारी आवास हो, सभी जगह से पोस्टर बैनर हटवाए जा रहे हैं और इसके बाद जो भी इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी गाड़ियों पे जो भी पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आज से एक मैसेज ये चले आप लोगों की तरफ से भी रहे कि जिनकी गाड़ियों पे है, अभी हम लोगों ने कुछ गाड़ियों से उतरवाया है, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रहेगा। किसी भी पार्टी का हो वो गाड़ी में पोस्टर बैनर लगा के नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कोविड-19 का पालन करने के लिए भी लोगों को अपील की जा रही है और रात में 10 से 6 कर्फ्यू है, उस संदर्भ में भी लोगों को बताया जा रहा है। बरेली में आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता लगते ही प्रशासन के अधिकारी नगर निगम की टीमें सड़क पर उतारे और प्रशासन की निगरानी में राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतारना शुरू कर दिया। नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीम ने सबसे पहले सरकारी भवनों पर लगे सरकारी बैनर पोस्टर हटाए, उसके बाद शहर के विभिन्न चौराहों, गलियों में जितने भी राजनीतिक बैनर पोस्टर लगे थे उन सबको भी हटा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे का कहना है कि आचार संहिता लागू होते ही हमारी टीम ने राजनीतिक बैनर पोस्टर हटा दिए हैं। सभी तहसील क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग से जैसे ही निर्देश मिले उनका अनुपालन शुरू करा दिया गया है। 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके तहत किसी भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इन सब का सार्वजनिक प्लेसों पर बिना अनुमति लगा रहना ठीक नहीं है। उसी के तहत ये कार्रवाई आचार संहिता के अनुपालन में कराई जा रही है। कहाँ शहर से देहात तक कहाँ चलाई जा रही है? सभी जगह, सभी विधानसभाओं में ये कार्य किया जा रहा है और उसके आरओ उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका अनुपालन करा रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा चरणबद्ध तरीके से चुनावी प्रक्रिया की तिथि घोषित करते ही पुलिस पूरे तेवर में आ गई है। देर शाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में होने वाले चुनाव प्रक्रिया की तिथि घोषित होते ही जिला पुलिस बिना रुकावट के मैदान में उतर गई। शाम होते ही जिला पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शहर के मुख्य चौराहों पर लगी राजनीतिक पोस्टर एवं बैनरों को उखाड़ने का कार्य शुरू कर दिया। इसी के तहत शहर के अंबेडकर चौराहा स्थित अन्य कई चौराहे जहां नेताओं की होर्डिंग व पोस्टर लगे थे, पुलिस ने युद्ध स्तर पर उन्हें उखाड़कर सभी चौराहों को होर्डिंग से विहीन कर दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस की ये एक्टिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने बैनर पोस्टर हटवा दिए हैं। ये कल देर शाम की तस्वीरें हैं जहां पर प्रतापगढ़ पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाने का काम किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।